जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम लोग एम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर को। एम पावर इंडिया काफी फेमस और काफी चर्चित पेनी स्टॉक्स है। आज जब हम रिटेल निवेशक की बात करते हैं तो ज्यादातर रिटेल निवेशक का पैसा पेनी स्टॉक्स में लगा हुआ होता है, क्योंकि और ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न जो मिलता है वो पेनी स्टॉक्स में मिलता है, छोटे स्टॉक में मिलता है, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स है ऑलरेडी ग्रो कर चुके होते हैं। अब समझते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए एम पावर इंडिया लिमिटेड में हो क्या रहा है कि इन दिनों गिरावट बहुत तेजी से चल रहा है, काफी गिरावट आ रहा है। तो जो इसके निवेशक है और खासकर ऐसे लोग जो काफी हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें किए हुए हैं, उनका ऐसा सोचना है क्या उनका पैसा इसमें डूब जाएगा, क्या वो बर्बाद हो जाएंगे, क्या उन्हें बेच देना सही रहेगा या अभी इसमें होल्ड करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करने की जरूरत है। और ये भी अगर सकारात्मक रूप से सोचे तो आपको कहीं ना कहीं अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो एवरेजिंग करने का और जो लोग अभी तक इसमें बाई नहीं किए हैं उनको बाई करने का मौका भी मिल रहा है। हम लोग हर पहलू को डिस्कस करेंगे जो जरूरी है। आपको आसान भाषा बताऊंगा कि आपका एक इन्वेस्टमेंट है तो क्या करने की जरूरत है। देखिए मार्केट में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये स्टॉक BSE 2 की श्रेणी में आ गया है। जब भी आप BSE इंडेक्स वेबसाइट पर भी देखते हैं तो आप पाते हैं कि एम पावर इंडिया लिमिटेड को SEBI ने इसको ESM Stage 2 की श्रेणी में डाल दिया। पहले ये ESM Stage 1 में था। तो जब कोई स्टॉक ESM Stage या GSM Stage की 1 कैटेगरी में होता है तो उतना घातक उतना टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन जब Stage 2 और Stage 3 में आ जाता है तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ता है, क्योंकि इसमें आने के बाद ना फिर अब थोड़ा लंबा समय तक इस पीरियड में रहेगा और इसमें बहुत गहन जांच पड़ताल होती है कि स्टॉक्स में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो इन्हीं सब जांच पड़ताल करने के लिए सेबी किस स्टॉक को सर्विस लांस मेजर में जिसका नाम दिया गया है ESM और GSM जैसी कैटेगरी उसमें रखता है। तो एम पावर इंडिया लिमिटेड इसमें आ गया है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि यदि कोई स्टॉक ESM या GSM कैटेगरी में आ जाता है तो वो घातक होता है और शेयर प्राइस लगता है नीचे जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक कैटेगरी है ऐसे स्टॉक की जांच पड़ताल करने के लिए जिसमें कुछ दिन तक स्टॉक रहता है, लेकिन इससे होता क्या है कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोग कंपनी के शेयर्स को बेचकर निकलने लगते हैं, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगता है। तो यही अभी इस स्टॉक में चल रहा है। हालांकि यदि लोग पैनिक ना हो, घबराए नहीं, इस कंपनी के काम कंपनी के बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को समझें, समझ में आएगा कि लंबी अवधि में स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न आपको मिलने जा रहा है और स्टॉक ने कमा कर दिया भी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समय में स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। बहुत से निवेशक ने पिछले अगर हम लोग सिर्फ 2023-24 की बात करें तो अच्छा पैसा इस स्टॉक में बनाया है। तो मैं आपको फिर कहता हूँ ESM Stage 2, 3, 4, 5 हालांकि 4, 5 तो होता ही नहीं है, उसमें चला जाए फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपने जब कंपनी में पैसा लगाया था, जब इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था तो आपने टाइम पीरियड में सोचा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए हैं, कुछ सोच के बाय किया होगा। तो आप अपने विजन पर खड़ा उतरिए, अपने मिशन को क्लियर रखिए, आपका जो टारगेट है टारगेट तक वेट कीजिए, आपको पैनिक नहीं होना है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी का जो वॉल्यूम भी अब बढ़ने लगा है। देखिए 37 लाख की ट्रेडिंग एक दिन में हुई है और पिछले दिनों की बात करें तो 1 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, जो कि पिछले एक सप्ताह की ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 62 लाख की ट्रेडिंग होती, लेकिन अब जाके स्टॉक में ट्रेडिंग बढ़ने लगा है। ट्रेडिंग बढ़ने का ये मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ सेल ज्यादा होता है, मतलब ये हुआ कि बायर्स भी आ रहे हैं और सेलर्स तो है। सेलर्स कौन है? सेलर्स वही लोग हैं जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स है, जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके बैठे वही लोग बेचेंगे ना, तो इनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ सिंपल मतलब है यदि इस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं कंपनी में, बाइंग जो होता है बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये बाइंग प्रेशर कौन होता है? जिसके पास पहले से शेयर है वो भी बाय करते हैं क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, तो लोग एवरेजिंग करते हैं और एवरेजिंग करने के साथ साथ कुछ नए बायर्स भी आते हैं जो पहली बार इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे थे, तो वो भी बायर्स इसमें शामिल है। ओवरऑल बात यह है कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, प्लस कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है, कंपनी का टेक्निकल डाटा भी अच्छा बोलता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एम पावर इंडिया लिमिटेड को जब आप एक सेल के चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी से स्टॉक का शेयर प्राइस अभी कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। ये आप यहां से देखें, 2 रुपए से मान लीजिए 3 रुपए, इसी के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 2.5 रुपए के अभी ऊपर है और जब तक ऊपर है तब तक हमें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि 2.5 रुपए के नीचे आएगा फिर से इस कंसोलिडेशन रेंज में आगे फंस जाएगा, इसमें आने के चांसेस कम है। एक स्टेप इससे ऊपर निकला है और अभी इस रेंज में आगे ट्रेड कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि जैसे इस रेंज से ये प्राइस ऊपर निकलता है, ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं 3 रुपए के लेवल, यहाँ पे न्यू बायर्स और एंट्री कर सकते हैं। जिसको एवरेजिंग करना है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एवरेजिंग कौन लोग करेंगे? जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए हैं, नए जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, वो यहाँ पे एवरेजिंग मत कीजिएगा। अभी ये एवरेजिंग तब कीजिएगा जब इसका प्राइस 4 रुपए के ऊपर निकले, क्योंकि 4 रुपए के ऊपर निकलेगा तो सीधे इसका प्राइस आपको 8-7-8 रुपए तक जाते हुए दिखेगा और उसके पहले इसमें रुकने के ये स्टॉक नाम नहीं लेगा। यहाँ पे यदि मान लीजिए बाई करते हैं जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है, जो लोग यहाँ पे कहीं बाई किए हैं और मान लीजिए इसके ऊपर निकलते बाई कर लेते हैं, तो हो सकता है कि फिर से एक बार यहाँ पे रेंज बाउंड बना ले 3 रुपए 3.5 रुपए के बीच, और इसमें कुछ समय बिताने लगे तो इतने दिनों तक आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आप वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का, और जो मैंने लेवल बताया है ठीक उसी लेवल पर आप अपना बाई कीजिएगा, चाहे नए और पुराने व्यक्ति हो।
क्वार्टर्स के रिजल्ट आज जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होते हुए सेल्स होते हुए दिखा है। 87 लाख के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी का जो जो काम धाम है, वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसका जो काम है, जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी काम करती है, वो और भी फ्यूचर में काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा और ग्रो करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन होते हुए दिखा है मार्च क्वार्टर में। ऐसा इसलिए हुआ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास जो पहले से डेब्ट था, कंपनी ने डेब्ट को कम करने में जो सेल्स से पैसा मिला है कंपनी को, उसका उपयोग किया। क्योंकि यहाँ पे जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आप स्पष्ट दिखा देता हूँ, कंपनी के पास जो डेब्ट था, देखिए मार्च क्वार्टर में 0 हो गया। पहले 1 करोड़ के आसपास कर्ज था, अभी इसमें कुछ नहीं बचा। इसका मतलब सीधा सही हुआ, कंपनी अपने प्रॉफिट का पैसा सही जगह पर खर्च कर रही है, कर्जा कम हो गया, कर्जा अब नहीं है। तो अब क्या होगा, कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा, कंपनी उससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में खर्च करेगी, अपने मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट करने में लगाएगी उस पैसे को। इससे क्या होगा, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का टेक्निकल और बेहतर होगा, और शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में और ऊपर जाने के काबिल होगा। तो एम पावर इंडिया लिमिटेड के लेकर आपके मन में कोई संशय है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर बातें कर लीजिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। लेकिन पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, एम पावर इंडिया लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है, आप इस बात को मान के चलिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।